मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में दो विधानसभा चुनाव की को लेकर जमीनी हकीकत न्यूज वर्ल्ड की टीम ने जानी। हमारी टीम ग्वालियर के फूलबाग चौपाटी पर पहुंची और लोगों से जानी उनकी राय। हम पहुंच गए हैं ग्वालियर, ग्वालियर के फूलबाग चौपाटी से हम बात करेंगे। यहाँ जो उपचुनाव हो रहा है उसमें मुद्दे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों तरफ खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे लोग आते हैं और अपने पसंद का जो उनका डिश होता है वो खाते हैं। मगर जिस तरीके से सरकार चल रही थी, उस सरकार को जाना पड़ा और नई सरकार आई, वो सरकार कौन से डिश परोस रही है और कैसे वो डिश का लोग यहाँ पे रसास्वादन ले रहे हैं, इस उपचुनाव में दिख रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, हम कुछ यहाँ पे जो स्टॉल के संचालक है उनसे बात करेंगे। कोरोना काल के बाद जिस तरीके से यह चुनाव आया है उसमें उनको क्या लाभ हो रहा है या उनके पास मुद्दे क्या है या लोग क्या कह रहे हैं। हम यहाँ पे स्टॉल पे हैं और स्टॉल पे यहाँ पे संचालक बैठे हुए हैं और बहुत से स्टॉल यहाँ लगे हैं, लोग आ जा रहे हैं। जी क्या क्या रखते हैं आप स्टॉल पे? मंचूरियन है, चाउमीन है, पाव भाजी है, छोले भटूरे है। अभी उपचुनाव चल रहा है उसके लिए क्या है? चुनाव के लिए हाँ। अभी कुछ नहीं, चुनाव के लिए सर, चुनाव के लिए कुछ नहीं है अभी सर। क्या मुद्दे हैं चुनाव के? आपके पास लोग आते होंगे, आप बात करते होंगे। अभी कुछ कह नहीं सकते, पोजीशन क्या चल रही है बताना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, पोजीशन अभी समझ में नहीं आ रही हमारी, अभी सब साइलेंट है। हाँ, कुछ नहीं कह सकते कौन क्या है क्या क्या नहीं है। पोजीशन चल रही है, आवाज जो चल रही है, मतलब कुछ कह नहीं सकते अभी। अब तो नेताओं की रैली वैली में जाते हैं आप? हाँ जाते हैं ना सर। किसकी रैली में, किसके किसकी रैली में जाते हैं? बीजेपी में जाते, बीजेपी चल देते हैं। हम तो दोनों रैली चल देते हैं, जो बुलाते चल देते हैं। हम तो व्यापारी आदमी है। कोरोना के बाद व्यापार की क्या हालत है? बहुत स्थिति खराब है, बहुत खराब स्थिति है। तो आपने देखा जो यहाँ पे संचालक है उनका मानना है कि यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, युवा है, हम बात करेंगे क्या क्या है। चुनाव हो रहा है तो क्या मानते हैं, चुनाव के क्या मुद्दे हैं? इसी पक्ष में निर्णय नहीं लिया सकता अभी। इस समय जो कंपटीशन है राजनीति में, अभी इस समय किसी के समय निर्णय नहीं लिया सकता कि कौन सी पार्टी आएगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, अभी कुछ नहीं कह सकते। आप वोट देने तो जाएंगे ना, तो क्या सोच के वोट देंगे, कैसे वोट देंगे, क्या सोच दिमाग में क्या बैठा हुआ है, किस लिए वोट देना चाहिए? सरकार अच्छी चले या काम हो, क्या 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 चाहिए सरकार? काम होगा, जिसका विकास दिखेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो वोट तो मत पत्र जो होता है वो गुप्त होता है, कोई भी मतदाता अपना वोट ये नहीं बताता कि हम किस को देंगे, तो मत पत्र जो होता है गोपनीय रहता है। देखिए लोकतंत्र की खूबी देखिए, यहाँ पे लोगों का मानना है कि जिस तरीके से मत होता है वो गोपनीय होता है और मतदाता बिल्कुल साइलेंट है, कुछ बोलना नहीं चाहता। हमारे साथ और कुछ है युवा है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? पवन जी, क्या है मामले, जो चुनाव चल रहा है उसको क्या किस तरीके से ले रहे हैं आप? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राजनीति से कोई मतलब नहीं। तो आप जिस तरीके से देश में विकास होना चाहिए, आप यदि आप जैसा युवा राजनीति से इंटरेस्ट नहीं लेगा तो फिर कैसे चलेगा देश? इंटरेस्ट ही नहीं है ना, वोट डाले जाएंगे नहीं। तो आपने देखा ऐसे भी युवा है हमारे बीच में जो वोट डालने भी नहीं जाएंगे और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब आप समझिएगा कि देश का हाल क्या है और देश के क्या हालात हो रहे हैं। क्या क्या नाम है दादा आपका? मोनू है। सोनू, क्या है जो ये कोरोना के बाद आप स्टॉल लगा रहे हो, क्या है धंधा, कैसा है? बहुत मंदा चल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है धंधा। इस मद्दी में जिस तरीके से चुनाव आया उसको क्या कहेंगे? ये कोई मतलब नहीं निकल रहा चुनाव का, बहुत मतलब वोट देने से क्या फायदा फिर वैसे। अच्छा, तो देखिए आप जिस तरीके से कोरोना काल है और कोरोना काल में जो मद्दी का माहौल है, उस मद्दी के माहौल में किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, ये बातें देखिए। चुनाव अपने समय पे हो तो लोगों को बेहतर होता है, लोगों के लिए बेहतर होता है, मगर जब चुनाव इस तरीके से उपचुनाव में बदलते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में एक निराशा दिखती है। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं, कुछ हैं यहाँ बच्चियां हैं, उनसे हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? जी कोमल श्रीवास। कोमल जी, चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। I'm not 18. अभी 18 की नहीं हुई आप? I am 14 years old.
तो ये बच्चे हैं, इनको अभी वोट का पावर नहीं है या वोट के काबिल नहीं हो पाए हैं। अब जो आगे वाला चुनाव आएगा उसमें ये वोट के होंगे। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? इमरान खान। क्या चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव है, इसमें कुछ बताएंगे क्या मुद्दे क्या हैं? अपने मेरे को जानकारी नहीं है क्या मुद्दे होंगे उसमें। तो चुनाव के बाद फिर जो उनको करना होगा वो तो करेंगे, चुनाव होना भी। तो आप वोट डालने जाएंगे? हमारी साइड में नहीं है वोटिंग, वहाँ से फिर भी भटक के तरह है। तो जिस तरीके से चुनाव है, चुनाव के बाद क्या होगा वो तो समय बताएगा। हमारे साथ यहाँ के हमारे जो करस्पॉन्डेंट है वो साथ में है। नितेश इधर आइए। नितेश क्या है मुद्दे, क्या है यहाँ पे चुनाव के? सर देखिए, ग्वालियर विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पद्मन सिंह मंत्री जी हैं, वो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क भी कर रहे हैं। जब हम भी क्षेत्र में जाए, देखा कि सबसे बड़ी समस्या वहाँ है पानी की, बहुत बड़ी समस्या है। पानी पीने को नहीं मिल रहा है, खारा पानी मिल रहा है, गंदा पानी आ रहा है। लोग वहाँ इसकी शिकायत कई बार मंत्री जी से की, लेकिन आज तक उनने नहीं सुनी। और रोजगार की बात करें युवाओं के लिए, आज तक मंत्री जी वहाँ पर कोई रोजगार नहीं लाए, तो इससे युवा वर्ग भी है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है। नितेश यहाँ पे दो चुनाव हैं, दोनों चुनाव पे यदि हम बात करें, दोनों चुनाव को लेके, तो क्या मुद्दे क्या हैं? और जिस तरीके से 15 माह में ये सरकार गिरी है, तो उसका क्या असर दिख रहा है जमीनी पे? जी देखिए, बिल्कुल, अपन ग्वालियर पूरब की बात करें तो सतीश सिकरवार कांग्रेस से और मुन्नालाल गोयल जो हैं भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है। तो सतीश सिकरवार जो है उनका वो बताया जा रहा है बाहुबली टाइप के हैं, लोग उनसे कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे उनका वोट बैंक वहाँ से खराब हो रहा है। मुन्नालाल गोयल एक बनिया समाज से आते हैं, तो जो सबसे वहाँ वोटर सबसे ज़्यादा है ठाकुर है, लेकिन बनिया समाज के जो लोग हैं दूसरे नंबर पे है, वो कहीं ना कहीं मुन्नालाल गोयल को वोट डालेंगे। दूसरी विधानसभा की यदि बात करें, प्रद्युम्न सिंह और सुनील शर्मा, तो इसमें क्या गणित गुड़ा चल रहा है, क्या कैसे ये सीट क्या डिसाइड होगी? जो सुनील शर्मा जी जो हैं, जो इनके मित्र हुआ करते थे प्रद्युम्न सिंह तोमर के, साथ में काम करते थे, जब से प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पार्टी छोड़ी है, अब दोनों में आपस में मतभेद हो गए हैं, दोनों अलग अलग हो गए हैं। और जो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, ना उन्होंने कोई काम किया क्षेत्र में। ऐसा सड़कों की हालत देख लो, सड़कें बेहाल हैं, डम्बर के रोड हैं, उनमें गड्ढे हैं, चलने के लिए रोड नहीं है। तो लोग, जनता जो है बहुत परेशान है, तो वो सोच रहा है कि नए लोग का हम चयन करें यहाँ से, तो नए लोग को वो ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके यहाँ पे बात हो रही है, जो हमारे संवाददाता यहाँ पे फील्ड में घूम रहे हैं, उनकी जो बातें हैं, जिस तरीके से है चुनाव फंसा हुआ दिख रहा है, और कोई भी मतदाता किसी भी तरीके से बोलने को तैयार है, मतदाता बिल्कुल साइलेंट है, और वो 3 तारीख को मन बना चुका है, 3 तारीख को वोटिंग मशीन में अपने मत का प्रयोग करेगा और 10 तारीख को रिजल्ट आएगी। रिजल्ट क्या आएगा वो आने वाला समय बताएगा, और मध्य प्रदेश के लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसका रिजल्ट जो आएगा वो तो देखने वाली बात होगी, आगे का समय बताएगा। आमिर के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड, ग्वालियर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश